तो कक्षा 11 वी के प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जाम पेपर इकोनॉमिक्स यानी कि कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का पेपर, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हो। हाँ दोस्तों, कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का पेपर यहां पर आप लोग देखिए। सबसे पहले अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 लिखा हुआ है, यहाँ पर कक्षा 11वीं लिखा हुआ है, विषय अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, समय 3 घंटे का, पूर्णांक आपका 80 अंक का रहेगा। तो कक्षा 11वीं के प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को देखिए बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए आपका ये जो इतिहास का अर्थशास्त्र का पेपर है कक्षा 11वीं का, इसे पूरा का पूरा हल सहित बताने वाले हैं। हाँ दोस्तों, इसे पूरा का पूरा हल सहित बताने वाले हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 23 तक का संपूर्ण हल आप लोगों के लिए आज के इस वीडियो में बताएंगे। चलिए तो बिना कुछ देरी के वीडियो को कहते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक इस YouTube चैनल मिस्टर साइंस लवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल, काला, पीला, हरा जैसा भी आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा हो उसे दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही दबा लेना बेल आइकन घंटी को। चलिए तो बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के लिए बताते हैं आपका कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर अर्थशास्त्र हल सहित। तो लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आता है आपका सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा हुआ है अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं, कितने होते हैं? 5। इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका द नंबर का, जिसमें 5 लिखे हुए हैं। इसके बाद दूसरे में लिखा है आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या? दूसरे का राइट आंसर आ जाएगा आपका आ नंबर का, इसका भी राइट इसका आ जाएगा आ नंबर का, जिसमें वर्गीकरण लिखा हुआ है। इसके बाद आता है तीसरे नंबर का, जहाँ पर लिखा है मध्यिका को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 12 नंबर का, जहाँ पर लिखा है स्थिति संबंधी माध्य। इसके बाद चौथे नंबर में लिखा है हमारे देश में नीति आयोग कब गठित हुआ, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 12 नंबर का, इसका आ जाएगा जो कि यहाँ पर देख सकते हो 1 जनवरी 2015 लिखा हुआ है। इसके बाद आता है आपका पाँचवें नंबर का, यहाँ पर देख सकते हो लिखा है हरित क्रांति के जनक हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या? पाँचवें का आ जाएगा आ नंबर का, जो कि यहाँ पर देख सकते हो लिखा है M.S. स्वामीनाथ, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर में लिखा है राष्ट्रीय आय में सतत एवं दीर्घकालिक वृद्धि किसकी विशेषता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या? चौथे का राइट आंसर आ जाएगा आपका 12 नंबर का, जो कि यहाँ पर देख सकते हो आर्थिक संबंध आर्थिक समृद्धि लिखा हुआ है, क्या लिखा है? आर्थिक समृद्धि, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 1 पूरा हो जाता है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 2, जो कि यहाँ पर देख सकते हो लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपका पहला रिक्त स्थान लिखा हुआ है खाली स्थान में समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या? संगणना विधि, इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या? संगणना, क्या आ जाएगा? संगणना विधि, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर का, जो कि यहाँ पर देख सकते हो लिखा है प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र खाली स्थान है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या? दूसरे का राइट आंसर आ जाएगा आपका, देखिए इस प्रकार से आपको इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर तीसरे नंबर का, जहाँ पर लिखा है सहसंबंध तकनीकी की खोज खाली स्थान ने की थी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका कार्ल पियर्सन, इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या? आ जाएगा कार्ल कार्ल पियर्सन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका अगला, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो पियर्सन। इसके बाद आता है आपका अगला, यानी कि जो है आप देख सकते हो लिखा है पी ओ प्रदर्शित कहता है खालिस्तान बस का मूल्य, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका आधार, क्या आ जाएगा? आधार बस का मूल। और इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर में, जो कि यहाँ पर देख सकते हो लिखा उदयीकरण में आवश्यकता खुदाई कैड में आवश्यक खाली स्थान को कम किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या? प्रतिबंधों को, किसको किया जाता है? प्रतिबंधों को, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका अगला, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो छठे नंबर में लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ सॉरी पाँचवें नंबर का आता है, जहाँ पर लिखा सॉरी छठवें नंबर का ही आता है, यहाँ पर देखिए 2011 में साक्षरता का प्रतिशत खाली स्थान था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या? 74.04%, इसका राइट आंसर लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 2 पूरा, रुकिए एक यहाँ पर आएगा ऐसा, देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 में रिक्त स्थान नंबर 7 में लिखा हुआ है आर्थिक विकास एक खाली स्थान प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर आपको सतत लिख लेना है, क्या लिख लेना है?
सतत प्रक्रिया है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपका अगला दिया गया है यानी कि पिछले क्रमांक 3, जिसमें आपको सही जोड़ियों का मिलान करना है। क्या करना है? सही जोड़ियों का मिलान करना है। यहाँ पर आपकी देखिए पहली जोड़ी दी गई है जिसमें लिखा सांख्यिकी के जनक, तो इसका मिलान हो जाएगा आपका कहाँ पर? ग नंबर में इसका राइट आंसर आ जाएगा, जहाँ पर लिखा है गॉट फायर्ड एकेनबॉल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरे में लिखा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या? दूसरे का राइट आंसर आ जाएगा आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का राइट आंसर आ जाएगा आपका घ नंबर में, जो कि यहाँ पर देख सकते हो लिखा है समांतर माध्य, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद तीसरे में लिखा होगा पदों के विचार की माप, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका एड़ा नंबर में, जो कि यहाँ पर देख सकते हो अपक्रण लिखा हुआ है। इसके बाद चौथे में आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा है आदेश निर्देशांक, तो इसका मिलान हो जाएगा आपका कहाँ पर? चौथे का मिलान हो जाएगा आपका चार नंबर में, जो कि यहाँ पर देख सकते हो फिसर लिखा हुआ है। इसके बाद पाँचवें में लिखा है पिछड़ी अर्थव्यवस्था, तो इसका मिलान हो जाएगा आपका पाँचवें का हो जाएगा का नंबर में, यहाँ पर लिखा है निम्न जीवन स्तर। इसके बाद छठवें में लिखा है चीन में आर्थिक सुधार, तो इसका मिलान हो जाएगा आपका कहाँ पर? इसका हो जाएगा खा नंबर में, यहाँ पर लिखा 1978, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, जो कि यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ समंक कितने प्रकार के होते हैं, क्या लिखा है? समंक कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका समंक दो प्रकार के होते हैं, कितने? दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद आता है आपका सिग्मा एक्स बटे एन किसका सूत्र है, तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या? इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका, देखिए दूसरे का राइट आंसर आ जाएगा आपका समांतर माध्य, इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या? आ जाएगा समांतर माध्य, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है क्या? प्रमाप विचलन का विचार किसने दिया, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका कार्ल पियर्सन, इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है। इसके बाद आता है आपका अगला, यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चौथे नंबर का, जहाँ पर लिखा किसी क्रियाएँ किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है क्या? प्राथमिक, इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या? आ जाएगा प्राथमिक, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर देखिए पाँचवें नंबर का, जहाँ पर लिखा है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका पाँचवें का निजीकरण आ जाएगा क्या? आ जाएगा निजीकरण, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर, इसके बाद आता है निजीकरण के बाद आता है आपका छठे नंबर में, जो कि यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है क्या? कीमत में वृद्धि का विनियोग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या? यहाँ पर आपका छठे का राइट आंसर आ जाएगा आपका विपरीत प्रभाव, इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या? आ जाएगा विपरीत प्रभाव, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका अगला, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है क्या? कीमत वृद्धि, सातवें नंबर में लिखा आर्थिक विकास का आधार क्या है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या? इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका आर्थिक, यार इसका आर्थिक कल्याण में वृद्धि, इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या? आ जाएगा आर्थिक कल्याण में वृद्धि। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 पूरा हो चुका है। इसके बाद 5 आता है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा सत्य असत्य बताइए। इसमें आपका पहला प्रश्न लिखा होगा मध्यिका के बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका पहले का सत्य हो जाएगा। दूसरे में लिखा हुआ है हम निर्देशांक पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं, तो ये आपका असत्य आ जाएगा आपका। तीसरे नंबर में लिखा ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता था, तो ये आपका आ जाएगा असत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथे में लिखा 1991 की औद्योगिक नीति में लाइसेंस में ढील दी गई, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। पाँचवें में लिखा हुआ है मानवीय पूंजी में उत्पादन में वृद्धि होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। छठवें में लिखा है भारत भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 5 पूरा हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 आता है, तो देखिए जैसा हमने आप लोगों के लिए वीडियो में बताया था कि संपूर्ण हल का शायद बताएंगे, तो चलिए इसे भी आप लोगों के लिए बता देते हैं। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में लिखा हुआ है क्या।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, और इसके अथवा में लिखा हुआ है सांख्यिकी के कोई दो कार्य लिखिए। चलिए तो यही इसका आंसर हम आप लोगों के लिए बताने वाले हैं। तो देखिए हमने क्या किया है कि इन सभी प्रश्नों के आंसर हैं यहाँ पर हमने टिक कर लिए हैं। तो देखिए जैसा जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, सांख्यिकी के कोई दो कार्य लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए HP लिखकर यहाँ पर देखिए टच कर लिया है कि हाँ ये पेपर, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है। चलिए तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। इसी प्रकार से देखिए हमने सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर टच कर लिए हैं, मतलब यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आ जाएगा क्या, सांख्यिकी के कोई दो कार्य लिखिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा विशाल एवं जटिल तथ्यों को सरल बनाती है, सांख्यिकी तथ्यों को एक निश्चित रूप में प्रस्तुत करती है, सांख्यिकी विभिन्न तथ्यों की आपस में तुलना करने का कार्य करती है। इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने और भी टच किए हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ क्या, प्रो मार्शल की परिभाषा दीजिए। इसका देखिए यहाँ पर HP लिखा हुआ है, ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन की साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है, इस बात की विवेचना करता है कि वह किस प्रकार धनोपार्जन करता है और किस प्रकार इसका उपयोग करता है। इस प्रकार यह एक ओर धन का अध्ययन है और दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक आपका ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर HP लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये सभी आपके अथवा में दिए गए हैं ये प्रश्न, देखिए इसीलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा लग रहे होंगे। ठीक है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, अर्थशास्त्र की मार्शल द्वारा की गई परिभाषा की दो आलोचनाएं लिखिए। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हो लिखा है मानवीय क्रियाओं को आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं में बांटना अनुसूचित है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है जीवन के साधारण व्यवसाय का स्पष्ट अर्थ है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है प्रो रोवेंस की परिभाषा की दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा उनके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के परस्पर संबंध के रूप में मानव व्यापार का अध्ययन करता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा अर्थशास्त्र क्या है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य या समाज किस प्रकार सीमित अध्ययनों का किफायत के साथ प्रयोग करके वस्तुएं व सेवाओं का उत्पन्न करता है तथा उनके द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वास्तव में यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है क्या, वास्तव में अर्थशास्त्र की कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं है, कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं की जा सकती जो सर्वमान्य हो, क्योंकि इस विषय सामग्री को परिभाषाओं के बंधन में बांध देना असंभव कार्य है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए बता ही दिया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखते हैं दूसरे कहाँ पर लिखा हुआ है, HP देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा है क्या, अर्थशास्त्र को किन आधारों पर विज्ञान कहा जा सकता है, और इसके अथवा में लिखा हुआ है क्या अर्थशास्त्र विज्ञान समझाए। तो देखिए इसका राइट आंसर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के पक्ष के तर्क, अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क हैं, विज्ञान की भांति अर्थशास्त्र में भी नियमों जैसे उपयोगिता हास्य नियम, मांग का नियम, उत्पत्ति हास्य नियम, कीमत सिद्धांत आदि का निर्माण होता है और इन नियमों के कारण और परिणाम के संबंध की व्याख्या की जाती है। इसमें तथ्यों को अवलोकन एकत्रीकरण वर्गीकरण तथा विश्लेषण क्रमबद्ध रूप में किया जाता है। अर्थशास्त्र के कुछ नियम सार्वभौमिक होते हैं, जैसे मांग का नियम, उपयोगिता हास्य नियम। वैज्ञानिक भांति अर्थशास्त्र के तथ्यों की को भी मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या, अर्थशास्त्र की सीमाएं, क्या लिखा है,
अर्थशास्त्र की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र की सीमा। अर्थशास्त्र की सीमाओं को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल वास्तविक मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, इसमें काल्पनिक व्यक्ति की कोई स्थान नहीं होता है, नहीं दिया जाता है। इसके बाद दूसरे में लिखा हुआ है अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अनार्थिक क्रियाओं का नहीं। और तीसरे में लिखा है अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, गैर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो लिखा है प्रो रॉबिन्स अर्थ को केवल वास्तविक विज्ञान मानते हैं। आजकल यह सीमा मान्य नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र जो अर्थशास्त्र को अब वास्तविक विज्ञान के साथ साथ आदर्श विज्ञान तथा कला के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके साथ देखिए यहाँ पर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में महत्व। और इसके अथवा में लिखा है आर्थिक विश्लेषण में सांख्यिकी का क्या महत्व है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आर्थिक विश्लेषण में सांख्यिकी का बहुत महत्व है। सांख्यिकी के द्वारा सभी आर्थिक क्रियाओं का उचित अध्ययन एवं व्याख्या संभव है, चाहे वे क्रियाएँ उपभोग उत्पादन विनियम वितरण या राजस्व किसी भी क्षेत्र से संबंधित हों। उपभोग के क्षेत्र में समंकों के द्वारा यह ज्ञात होता है कि आय व्यय किस प्रकार करना चाहिए, उत्पादन की किस किस साधन की कितनी कितनी आवश्यकताएं होंगी, कितनी कितनी आवश्यकताएं पड़ेंगी। विभिन्न वयसों में उत्पादन की कोई मात्रा उत्पन्न की गई आदि बातों का ज्ञान सांख्यिकी से होता है। राष्ट्रीय आय तथा वितरण के संबंध में नीतियां सांख्यिकी की सहायता से बनाई जा सकती हैं। अंत में राजस्व के क्षेत्र में भी सांख्यिकी से यह पता लगाया जा सकता है कि समाज के किस वर्ग की कितनी कर क्षमता है, किन किन वस्तुओं तथा व्यक्तियों पर कर लगाना चाहिए, कर की मात्रा कितनी होनी चाहिए। यदि बातें समंकों की सहायता से पता चलती हैं, इस प्रकार से हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर और आगे चलें तो यहाँ पर अपन को देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा है मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषा में अंतर कीजिए। यहाँ पर मार्शल एवं रॉबिन्स की परिभाषा में आपको अंतर करना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपका पहला अंतर लिखा होगा भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। और तो देखिए ये आप लोग पढ़ते जाइए, क्योंकि वीडियो फिर लंबा होता जाएगा यदि सभी प्रश्न आप लोगों के लिए पढ़कर सुनाएंगे। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर आप लोग एक बार में 3 तक का ले लीजिए, फिर यहाँ पर 4 और 5 का भी ले लीजिए, ये अंतर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसके बाद देखिए यहाँ से शायद अब आपके अध्याय 2 से पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी तक जितने 1 से पूछे गए हैं वो आप लोगों के लिए सभी बता दिए हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा है प्राथमिक समंक किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक समंकों में समंकों से आशय ऐसे समंकों से है जो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं, क्योंकि वे समंक नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी फैक्ट्री के श्रमिकों के दैनिक खर्च से संबंधित समंक एकत्रित करने हैं, जो अनुसंधानकर्ता द्वारा एक एक श्रमिकों के पास प्रत्यक्ष रूप से जाकर समंक प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार से हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर लिखा है समंकों के वर्गीकरण से क्या आशय है। आंकड़ों के वर्गीकरण का अर्थ लिखिए, इन दोनों का आंसर एक ही होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, संकलित समंकों को किसी गुण के आधार पर समान व असमान अलग अलग वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। और इसके बाद यहाँ पर HP अपन को देखने को मिलेगा कहाँ पर, अब देखिए इस पेज में नहीं लिखा हुआ है, चल के पेज चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपका ये प्रश्न लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा है साड़ियन की 3 विशेषताएँ लिखिए। तो देखिए इसका और इसके अथवा में लिखा हुआ है क्या, इसके अथवा में देख सकते हो लिखा साड़ियन के 2 प्रमुख
साड़ियों के दो महत्व लिखिए। तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, क्या लिखा है, साड़ियों के दो महत्व लिखिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा साड़ियों द्वारा विशाल तथ्यों को थोड़े संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जाता है, इससे समय तथा स्थान की बचत होती है। और इसमें लिखा है साड़ियों में प्रविष्टि तथा तथ्यों के को बिंदु रेखा एवं चित्रों के रूप में सहलता से प्रस्तुत किया जा सकता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है साड़ी से अशुद्धियों की जांच बहुत सरल हो जाती है, इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को अगला प्रश्न देखने को मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर इस पेज में, हाँ ये वाला लिखा होगा, देखिए अरे यार ये वाला यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ये वाला देखिए यहाँ पर आपके प्रश्न लिखे हुए हैं। पहले नंबर पर लिखा हुआ प्राथमिक और द्वितीयक समंक में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसके अथवा में लिखा है प्राथमिक समंकों आंकड़ों की कोई दो विशेषताएं लिखिए, और इसके अथवा में लिखा है द्वितीयक समंकों की कोई दो विशेषताएं लिखिए, प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों में अंतर। तो देखिए यही आपके अंतर हो जाएंगे, इसी में से आपको विशेषताएँ छांट लेनी है। तो देखिए ये तो पहला अंतर तो यहाँ पर लिखा हुआ जो कि आप लोग देख सकते हो, प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं, सांख्यिकी अनुसंधान में उनका स्थान कच्चे माल के समान होता है, और द्वितीयक समंक सांख्यिकी यंत्रों से एक बार गुजर चुके होते हैं, इनका स्थान निर्मित माल के समान होता है, इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपके अन्य अंतर लिखे हुए हैं जिनका स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए ले लेना है, क्या कहना है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो यहाँ पर आपका अंतर लिखा हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर, देखिए यहाँ पर शायद इस पेजों से आपका कोई भी नहीं पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, देखिए ये वाला, चित्रमय प्रदर्शन की सीमाएं लिखिए या चित्रमय प्रदर्शन की कोई दो सीमाएं लिखिए। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है क्या, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा भैया कहाँ पर लिखा है, एचपी नहीं है, यहाँ पर लिखा होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है साड़ी रचना के नियम बताइए, क्या लिखा है, साड़ी रचना के नियम बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, एक उत्तम साड़ी की रचना किस प्रकार की जाती है, साड़ी की रचना कागज के आकार के अनुरूप होनी चाहिए, सबसे ऊपर साड़ी संख्या या साड़ी का शीर्षक लिखना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए देखने को मिल जाएगा, खानों में पंक्तियों की संख्या ना हो तो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ना बहुत कम होना चाहिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पर चौथे नंबर का लिखा, पाँचवें नंबर का, छठवें नंबर का, सातवें नंबर का आप लोग देख लेना, ठीक है। इसके बाद चलें तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका समंकों के चित्रमय प्रदर्शन एवं बिंदु रेखीय प्रदर्शन में अंतर स्पष्ट कीजिए, और चित्र इसकी में लिखा हुआ है चित्र एवं बिंदु रेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बिंदु रेख और चित्र रेख, यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लगा लें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि यहाँ से आपके अब अध्याय तीन यहाँ से शुरू हो चुका है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सांख्यिकी मध्य से क्या आशय है, माध्य किसे कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए साधारण शब्दों में औसत या माध्य का आशय प्रतिनिधि मूल्य से होता है, इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है, आधा आंसर ये है और आधा आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद देखिए उसी के नीचे एक और प्रश्न है जहाँ पर एचपी लिखा हुआ है, एचपी मतलब हाफ ही है, हाफ यली एक जगह, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर मध्य का खंडित श्रेणी में सूत्र लिखिए, क्या लिखा है, सामंत मध्य का खंडित श्रेणी में सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, बहुलक का क्या व्यवहारिक प्रयोग है, तो यहाँ पर इसका आंसर भी लिखा हुआ है। इसके बाद और आगे चलें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है क्या,
समांतर मध्य के चार गुण लिखिए, एक अच्छे औसत के चार गुण लिखिए, और यहाँ पर देखिए आंसर लिखा हुआ इसके परिकलन कल इसके परिकलन में प्रत्येक पद को लिया जाता है। इसका विरजीय रीति से परिकलक करना संभव है। इसकी गणना सरल है। यह एक सामान्य व्यक्ति के समझ में सरलता से आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा समांतर माध्य के दोष लिखिए, तो यहाँ पर इसके दोष लिखे हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख सकते हो। इसके बाद नीचे जाएँ तो देखिए, यहाँ पर आप लोग देखो तो यहाँ पर आपका प्रश्न लिखा हुआ है कहाँ पर, हाँ ये वाला एक प्रश्न आपका दिया गया है, मध्य का क्या है, इनकी गणना कैसे की जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि यहाँ पर इस पेज में आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर देख सकते हो लिखा है मध्य का किससे क्या आशय है तथा इसके गुणों को समझाइए। इसके अथवा में लिखा हुआ है मध्य का कि कोई पांच गुण लिखिए, तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों के लिए देखने को मिल जाएगा। क्या यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर चलें तो और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आपका क्वेश्चन मिल सकता है। यहाँ पर देखिए हमें एक और मिल गया, जो कि यहाँ से अध्याय चार भी स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा है अपकरण से क्या आशय है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी लगा लें। और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अपकरण मापने की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं, केवल नाम बताइए। तो देखिए अपकरण मापने की प्रमुख विधियाँ हैं विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्यम विचलन तथा प्रमाप विचलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी यहाँ पर लिखा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लगभग हर बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे भी आपको कर लेना है। लॉरेंज वक्र के कोई दो गुण लिखिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या प्रमाप विचलन, क्या लिखा है प्रमाप विचलन से क्या आशय है। तो यहाँ पर लिखा है प्रमाप विचलन किसी श्रेणी के विभिन्न पदों के समांतर मध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों के समांतर मध्य का वर्गमूल होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर और देखें तो यहाँ पर लिखा है चतुर्थक विचलन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ प्रमाप विचलन को एक आदर्श और वैज्ञानिक माप क्यों कहा जाता है। इसके अथवा में लिखा प्रमाप विचलन की कोई तीन गुण लिखिए, तो देखिए यहाँ पर आपके गुण लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4 तक भी, 4 भी लिखे हुए हैं, तो आप लोग इनमें से कोई तीन कर लेना, लेकिन 4 ही कर लेना याद अच्छा रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखो तो इसके नीचे लिखा हुआ है क्या अपकरण की कोई 4 उद्देश्य लिखिए, तो यहाँ पर इसके 4 उद्देश्य लिखे हुए, नंबर 1, 2, 3, 4, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट चलें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्या मध्य विचलन के कोई दोष बताइए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा आंसर दिया गया है। इसके बाद और नीचे चलें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर अब इसके बाद आपको कौन सा करना है यार, यहाँ से तो अध्याय 5 होता है स्टार्ट, हाँ यहाँ पर नहीं, अब यहाँ से देखिए आपका अध्याय 5 हो जाता है स्टार्ट और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ आपका क्या, यहाँ पर लिखा हुआ धनात्मक सहसंबंध किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जब दो चरों में परिवर्तन एक ही दिशा की ओर होता है, अर्थात जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, और अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी घटता है, तो ऐसे संबंधों को चरों का धनात्मक सहसंबंध कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा उच्च स्तर का सहसंबंध कब होता है, तो देखिए इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपका निर्देशांक लिखा हुआ है, निर्देशांक की परिभाषा लिखिए, निर्देशांक सूचकांक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर भी आपका आंसर दिया गया है। इसके बाद देखिए और आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सीधे यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा है निर्देशांक बनाने में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन कीजिए, सूचकांक बनाने की कोई 3 कठिनाइयों को लिखिए, और यहाँ पर देखिए निर्देशांक तैयार करते समय किन किन प्रमुख समस्याओं को का सामना करना पड़ता है समझाइए। इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है। आंसर देखिए कुछ यहाँ पर मिल जाएगा और कुछ आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए।
इसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए एक प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ है क्या निर्देशांक की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, वर्णन कीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सूचकांक की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और देखिए आंसर दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद और नीचे चलें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। निम्न आंकड़ों से पति तथा पत्नी की आयु में सहसंबंध ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हो इसे आपको पति पत्नी की आयु निकालना है और यहाँ पर इसका आंसर भी पूरा का पूरा दिया गया है जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद और आगे चलें तो डबल पेज तो नहीं हो गई शायद। अब यहाँ से आपका अध्याय 6 होता है लेकिन इससे आगे के आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा है बाजा अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी है, अर्थशास्त्र से आपका क्या आशा है समझाइए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए आंसर। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो प्रश्न क्रमांक 1 में था वो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन दिया गया है और गाइस इससे आगे का आपका पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि आप लोग तो जानते हो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। गाइस आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये जो भी प्रश्न हमने आप लोगों के लिए बताए हैं ये सिर्फ IMP क्वेश्चन है। क्या है? IMP क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसे आपको मॉडल पेपर देखिए इसमें से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सो गाइस यदि आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए। जाते जाते एक बार और बता दें कि जो पेपर हमने आप लोगों के लिए पूरा बताया एक मॉडल पेपर है, आप लोग इस पेपर को ओरिजिनल पेपर समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें। चलिए तो वीडियो को कहते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।